अब उत्कृष्ट शिक्षा के लिए क्षेत्र के बच्चों को बाहर नहीं जाना होगा, क्योंकि सिवान जिले के महाराजगंज में खुल गया ऐसा विद्यालय जहां आपको पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, डांसिंग, सिंगिंग व कंप्यूटर क्लास की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि सिवान जिले के महाराजगंज शहर के निबंधन कार्यालय रोड में स्थित कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल का आज भव्य उद्घाटन किया गया। कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल का उद्घाटन महाराजगंज की SDM रोचना माद्री व SDPO राकेश कुमार रंजन ने फीता काटकर किया। वहीं इस मौके पर स्कूल के निदेशक AK मिश्रा भी मौजूद रहे। स्कूल के निदेशक AK मिश्रा ने उद्घाटन समारोह में पहुंचे सभी मुख्य अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। साथ में सभी पत्रकार बंधुओं को भी अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इस उद्घाटन समारोह में काफ़ी संख्या में बच्चों के गार्जियन भी पहुंची हुई थी, जिन्होंने इस स्कूल की विधि व्यवस्था को देखकर काफ़ी तारीफ भी की। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि महाराजगंज में ऐसा विद्यालय खुल जाने से अब इच्छुक बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उत्कृष्ट शिक्षा के लिए अब बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि प्ले स्कूल खुलने से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। बच्चों में भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्ले स्कूल भेजना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों के मस्तिष्क का 90% विकास 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। प्ले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग अन्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि महाराजगंज जैसे इस जगह में ऐसे ही स्कूल की जरूरत थी, जहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और जिले के साथ साथ अपने अभिभावक एवं देश का नाम रोशन करें। वहीं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के निदेशक AK मिश्रा ने बताया कि यहाँ UKG तक शिक्षण की व्यवस्था है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाएगी। साथ ही स्कूल आने अथवा जाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था भी है। आपको बता दें कि इस उद्घाटन समारोह में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि शक्ति सारण प्रसाद, मिथिलेश राज, उदय शंकर तिवारी, राजू तिवारी, नवल सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रभात सिंह, पप्पू सिंह, संजय सिंह, मुखिया मंटू बाबा, उमा शंकर सिंह आदि गणमान उपस्थित थी। आज प्रिंसिपल कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, हम लोग यहाँ पर टीम लेके आए हैं टीचिंग का, जैसे टीचर्स का, और कोशिश कर रहे हम दार्जिलिंग नॉर्थ से टीचर ले आए, बात हो चुका है, वो टीम आएंगे। तो ये अगल बगल में स्कूल हम जानते हैं, एडुकेशन देखें, किताब देख के कोई भी पढ़ा लेता है, लेकिन उसमें संस्कार ढालना भी एकदम जरूरी चीज़ होता है। किताब देख के तो कोई पढ़ा लेता है, हर गाँव में जाएगा, हर गली में जाएगा, पढ़े लिखे लोग मिलते, लेकिन क्या होता है कि नैतिकता डालना बच्चा ले मैटर करता। अभी के डेट में स्पोर्ट्स खेलना एकदम जरूरी है, हो सकता है बच्चे नेशनल खेल रहा है, खाली किताब में तो हम तो बेसिक चीज़ मिलता है, एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इसमें भी हम चाहेंगे कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। तो ये सोच लेकर हम लोग ये कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल को आज ओपनिंग कर रहे हैं। और सब स्कूल से अपने को अलग कैसे समझते हैं, आप पर गार्जियन क्यों विश्वास करें कि आप अच्छा दे सकते हैं और स्कूल बने? देखिए, सब उंगली बराबर तो नहीं है, हर व्यक्ति बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं होती। तब इसको मुट्ठी बनाते, फिंगर पे नीचे करते थे, मुट्ठी बनता है, एक शक्ति बनता है। उसी प्रकार से जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, मान लीजिए आप कहीं पर जाते बाहर, आपको शेव करवाना हो तो किसी बार्बर के पास आप चल जाते, आप उनको देखे रहते, देखे तो नहीं रहते, फिर भी आप भरोसा करके उनके पास जाते हैं, आपको मन में रहता है कि मेरा अच्छा शेव करेगा। तो हम उसी कैटेगरी में अपने आप को गिनते हैं कि आए मेरे पास, लोग भरोसा कर सकते हैं हम पर, निसंकोच। चलिए, खाली हमको आदमी दे दीजिएगा, आदमी दे दीजिएगा।